हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क क्लीनअप और इवेंट व्यूअर, इन दो सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कंपोनेंट सर्विसेज, कंप्यूटर मैनेजमेंट, डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, इन सेटिंग्स के बारे में बात कर लिया था। अब दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्क क्लीनअप और इवेंट व्यूअर, इन दोनों सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों सेटिंग कैसे यूज़ होती हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो पर आप डायरेक्ट आएँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डिस्क क्लीनअप और इवेंट व्यूअर ये दोनों सेटिंग्स होती कहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों उन सेटिंग्स पर पहुंचने के लिए यहाँ पे सर्चिंग के ऑप्शन पे आपको लिखना होगा कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। ये देखिए दोस्तों कंट्रोल पैनल आ चुका है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आपका व्यू बाय में अगर कैटेगरी या लार्ज आइकन पर है तो पहले इसको आप स्मॉल आइकन पर कर दीजिए। स्मॉल आइकन में आपके सभी सेटिंग दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए डिस्क क्लीनअप और इवेंट व्यूअर ये दोनों सेटिंग आ चुकी है। अब हम डिस्क क्लीनअप के बारे में बात करेंगे क्योंकि ऊपर की तीन सेटिंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था। तो दोस्तों डिस्क क्लीनअप इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क क्लीनअप यानी कि हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी ड्राइव्स होती हैं, ड्राइव का मतलब सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डी ड्राइव या दोस्तों कोई भी हमने एक्सटर्नल कोई मेमोरी लगाई हुई है, तो उसको पूरी तरह से क्लीन करने के लिए इस सेटिंग का इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए दोस्तों आपको सी ड्राइव पूरी तरीके से खाली करना है, ई ड्राइव, एस ड्राइव, अगर दोस्तों आपने कोई एक्सटर्नल कोई मेमोरी भी लगाया होगा तो वो भी यहाँ पर शो कर जाएगी। दोस्तों जिस भी ड्राइव को अगर पूरी तरीके से खाली करना है उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों वो ड्राइव पूरी तरीके से खाली हो जाएगी यानी फॉर्मेट हो जाएगी। दोस्तों हमें ये सेटिंग यहाँ पर दी हुई थी, इसका हम यूज़ यहाँ पर इसका बहुत ही स्पेशल महत्व होता है। होता है क्या है दोस्तों, कई बार जब हमारी फ़ाइल हम यहाँ पर सी ड्राइव पर जाकर अगर कुछ फाइल डिलीट करते हैं, अगर उन फाइलों में कोई वायरस होते हैं या कोई अनवांटेड मैलवेयर होते हैं, तो दोस्तों होता क्या है उस केस में कि अगर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं या ड्राइव को डिलीट करते हैं तो वहाँ से वो डिलीट नहीं होते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना होता है कि पूरी ड्राइव को ही डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे ड्राइव में वायरस या मैलवेयर आ जाते हैं जो हमारे पूरी ड्राइव को या पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों आपके अगर वायरस आ गए हैं किसी ड्राइव में, अगर उसको डिलीट करना है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों ये जो हमारा डिस्क क्लीनअप है ये सेटिंग दोस्तों बहुत काम आती है। डिस्क क्लीनअप दोस्तों आप ना किसी भी ड्राइव को यहाँ से जब भी क्लिक करेंगे तो उस ड्राइव को पूरी तरीके से खाली करने में आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है किसी भी ड्राइव को आपको पूरी तरीके से फॉर्मेट करने के लिए। मान लीजिए दोस्तों कई केस में आपकी मेमोरी करप्ट हो जाती है, होता है ना दोस्तों आपके पास 16 GB, 32 GB और भी हाई GB की मेमोरी होती है, तो कभी कभी दोस्तों होता है क्या है कि आपकी वो मेमोरी ही करप्ट हो जाती है क्योंकि उसमें वायरस या कोई अन्य प्रकार के मैलवेयर आ जाते हैं, तो दोस्तों वो मेमोरी हमारे में प्रॉपरली वर्क नहीं करती। तो दोस्तों उसको पूरी तरीके से फॉर्मेट करने के लिए हम ये डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मेमोरी में वो ड्राइव लगाइए, उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप उस ड्राइव को क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करेंगे दोस्तों जैसे ही वो पूरी मेमोरी आपकी क्लीनअप हो जाएगी। अब दोस्तों हम देखते हैं अगली सेटिंग इवेंट व्यूअर, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इवेंट व्यूअर सेटिंग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने किसी सिस्टम में किसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको ढूंढने के लिए किया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। कभी कदार दोस्तों होता है क्या है कि किसी भी हमारे सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में कोई ख़राबी आ जाती है, तो उसके अगर हमें बारे में देखना है कि उस सेटिंग में कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है तो हम इवेंट व्यूअर में जाकर बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको किसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी उन सभी एप्लीकेशन की लिस्ट यहाँ शो कर देगी। अगर दोस्तों उस एप्लीकेशन में कोई फाइल मिसिंग है तो यहाँ पर आपको कस्टम व्यू में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पे उस ऐप के बारे में यहाँ पे लिख देगा कि आपको कोई फाइल मिसिंग है या तो उसका कोई अपडेट आया है। दोस्तों एप्लीकेशन में जो भी प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे वो बड़े ही आसानी से दिख जाएगी।
कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अपने सिस्टम में कोई ऐप इंस्टॉल कर दें, ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उसको रन करने में हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन दोस्तों उस प्रॉब्लम का सलूशन हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में वो ऐप क्यों नहीं चलती उसका हमको कारण देखना होता है, तो हम इवेंट व्यूअर में आके बड़े ही आसानी से यहाँ पे एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि वो ऐप हमारे में प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रही। अगर दोस्तों आप इन तीन जाम में नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप अपने सिस्टम में सभी प्रकार की जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेटिंग होती है वो एक ही बार में फिक्स करना चाहते हैं, मान लीजिए जो दोस्तों आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में कोई भी एप्लीकेशन चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए वो कोई भी ऐप हो सकता है, गेम आ सकता है, कोई भी दोस्तों आपके मोबाइल में ऐप हो सकता है, अगर वो चलने में प्रॉब्लम कर रहा है तो दोस्तों उसको आप इन सब बिना तीन जाम में फंसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एप्लीकेशन को चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी गेम को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप ऑटोमेटिक फिक्स कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों उसको फिक्स करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में आना है, और कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पर चले जाना है। ट्रबल शूटिंग पर चले जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स के नीचे एक लिंक दिया होगा, रन प्रोग्राम मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये आपके सिस्टम में जितने भी ऐप्स आपने इंस्टॉल की होंगी यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए मुझे इस बैंडिकैम ऐप इसी को चलाने में प्रॉब्लम आ रही, तो इसको आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और ये जल्दी लोड जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग यानी कि सिस्टम के अनुसार उसकी सेटिंग को कर दीजिए, तो इसका मतलब यही होता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। ट्राई प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप, तो यहाँ पे ये सिस्टम आपका जो वो एप्लीकेशन होगा उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और उससे संबंधित दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अगर दोस्तों इसको आप ऑटो में उसका सोलूशन ढूंढना चाहते तो दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट में से उसको फिक्स एज एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्योंकि दोस्तों मेरे इस ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए ये आगे हमारा कंटिन्यू नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपके किसी भी ऐप में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे उसका डिटेल शो कर देगा और उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा, तो आप उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।